हेलो दोस्तों, एस के जे स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है, उससे पहले जीन को बता देता हूँ कि जीन क्या चीज़ होता है। जीन अर्थात क्रोमोसोम पर प्रेजेंट छोटे छोटे यूनिट्स जो जेनेटिक कैरेक्टर के वाहक होते हैं उसे जीन कहते हैं। जिस पर जेनेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसे जीन कहते हैं। जैसे कि ए बी सी, ये तीनों जीन हैं और एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये यूनिट हैं, जीन है, इसे जीन कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो जीन कहलाता है। जेनेटिक मैपिंग क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर किसी भी जीन की लोकेशन को बताना कि वहाँ जीन किस जगह प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम है और इसमें जो बी जीन है कहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम लोग को पता करना है लोकेशन को, तो ये स्टडी क्या कहलाता है, जेनेटिक मैपिंग। अर्थात जीन को मैपिंग करना, जीन का मैप देखना कि लोकेशन कहाँ पर है, तो इस तरह से ये जेनेटिक मैपिंग कहलाएगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। ये दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है और इन दोनों का कोई भी सेगमेंट है जो एक्सचेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इस प्रकार से ये दोनों आपस में आकर मिलेंगे तो इसका आधा जेनेटिक पार्ट इधर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा और इसका सेगमेंट इसमें चला जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। और इसमें क्रॉसिंग ओवर है जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। अर्थात अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड ही आपस में जो क्रॉस करते हैं तो उसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये अलग अलग क्रोमेटिड है, इसका क्रोमेटिड ये है, इसका क्रोमेटिड ये है, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। लेकिन इसमें जो जीन का सीक्वेंस है वो सेम रहता है, इसमें भी यहाँ पर है, इस पे भी यहाँ, सीक्वेंस भी सही है, लोकेशन भी सेम है, लेकिन जीन का फॉर्म बस डिफरेंट होता है। एक जीन डोमिनेंट है तो दूसरा जीन क्या है, रिसेसिव। तो इस तरह से एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, एक के पास डोमिनेंट जीन और एक के पास रिसेसिव जीन, मींस ओनली जीन फॉर्म डिफरेंट है, बाकी जीन लोकेशन एवं सीक्वेंस सेम है। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ग्रीन वाला क्रोमोसोम का पार्ट इसमें आ गया और ब्लैक वाला क्रोमोसोम का सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम पर आ गया, तो इस तरह से उसके साथ सेगमेंट के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल का भी एक्सचेंजेशन होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि गैमिट फॉर्मेशन के मियोसिस डिवीजन के टाइम होता है।